हेलो बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मोई सुपर बॉक्स। आई होप यू आर गोइंग टू बी फाइन एंड ग्रेट। वेलकम टू माय न्यू फ्रेश ब्लॉग। आज का ब्लॉग, जैसा आप लोगों को बोला कि मैरिज से रिलेटेड अपने पास यहाँ पर पूरी सीरीज चल रही है, तो ये मैरिज सीरीज में अभी राइट नाउ डे टू डे सेकेंड वीडियो है आज। तो अभी आज फिलहाल जो है सांचक का फंक्शन है, तो आज हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। तो इसके लिए फिलहाल अभी राइट नाउ हो रहे हैं अराउंड 6। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से भी हेयर कट कराने के लिए आए हुए। हेयर कट करा लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे भी, तो रेडी वगैरह होने के लिए थोड़ा सा ज़रा बार वगैरह लग जाने के ज़रूरी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए और थोड़ा सा हेयर स्टाइल जो भी ख़राब हो गया, तो मुझे बालों को थोड़े से कटाना है, अगर अच्छे स्टाइल में कटाना है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है चल रहा है अभी हमारे रेहान पाशा का चल रहा है। ये रहा हमारे रेहान भाई का, थोड़ा नीचे कर रहा है बस, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो। सो बेसिकली आज तो जो है इस तरीके से है। अभी फ़िलहाल बहुत देर हो गई और मैं यहाँ पर आया हूँ अपने क्रिएटर, अगर जिसको भी नहीं पता मैं लोगों को एक लोकेशन के लिए एक दे देता हूँ। यहाँ पर है राइट नाउ क्रिएटर मेंस पार्लर एंड सलून। यहाँ पर आपको जो है कुछ भी अगर फेशियल वेशियल कराना है, ग्रूमिंग से रिलेटेड करना है, हेयर स्टाइल्स करना है, अच्छे से अच्छे हेयर कट वगैरह देना है, आप वहाँ दे सकते हो यहाँ पर। बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में हो जाता है आपको, एंड इट इज़ नियर टू राइट हियर। मैं आपने कहा था मेहदी एक्चुअली ये जो आता है अपने टोली चौकी की साइड आता है, टोली चौकी के बैक साइड से आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप लोग एग्जैक्टली। इसके सामने आपको फोर सीजन्स की वो आपको जो दिख रहा है, फोर सीजन्स की वहाँ पर जो है वो है बिल्डिंग है, फोर सीजन्स बहुत ही मशहूर है। तो एग्जैक्टली उसके सामने आप लोगों को मिल जाएगा इसका। तो लेट्स सी गाइस, अभी फिलहाल भाई का हो रहा है, शायद ब्याह का हो रहा है, उसके बाद शायद बड़े ब्याह का कर देंगे, उसके बाद फिर मेरा कर देंगे। फिलहाल रेहान का हो रहा है, रेहान का होने के बाद फिर मैं हेयर कलर भी कराने वाला हूँ। हेयर कलर मैं ख़ास बाहर से मंगा लिया था, बिकॉज एक्चुअली बाहर से मंगाने रीज़न ये था कि जो कलर था वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्राउन एंड बहुत ही बोलते ना कम कलर वाला था, ज़्यादा डार्क कलर नहीं था, बहुत ही लाइट कलर में था। तो जो कि वो लाइट कलर मुझे यहाँ पर वो नंबर का कलर नहीं मिल रहा था, तो इस रीज़न से मैं बाहर से मंगाने लगा। कलर वगैरह आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं, घर को जाके कलर लेके आते हैं। कलर मैं घर पे भूल गया था क्योंकि मैं थोड़े से फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर निकला था, उसी में देर हो गई। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल के मैं सीधा कलर लेने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है ऑलमोस्ट, तो जिससे जनों को मैं कोई इन्विटेशन देना था उनका तो हो गया, अभी और थोड़े से लोग बचे हुए हैं उनको देने का है। फ़िलहाल अभी जो है बहुत देर हो गई है मुझे, ऑलमोस्ट 7 बजने आ रहे, एंड अभी फ़िलहाल वही हेयर कट मेरा नहीं हुआ है अभी तक, राइट नाउ अभी तक भी हेयर कट नहीं हुआ है, और अभी फ़िलहाल 7 बजने आ गए। अभी वो एक घंटे में हमें हेयर कट वगैरह कंप्लीट करके रेडी होके निकलना है। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, कलर मैंने अभी फ़िलहाल भिजा दिया है बार्बर शॉप पर। अभी फ़िलहाल मैं सैलून पर जा रहा हूँ, बस बहुत टाइम हो रहा है, अभी फ़िलहाल भागते हैं और जल्दी से अच्छी कटिंग करा लेंगे, अच्छी सेटिंग करा लेंगे, और इसके बाद जल्द से जल्दी रेडी होएंगे। कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया हमें, क्योंकि बाल बाल काटने के बाद वैसे भी कपड़े ख़राब आ जाते इस रीज़न से। और अपने फ़िलहाल बाहर की लाइट बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुल चुकी है, आई विल शो यू। ये देख लो, ये बाना, लेकिन पीछे से बाना छोटे रखे, बोलो पीछे के बाना इसके छोटे हैं ना, अपने को बड़े रखने। हाँ ये है ना सेटिंग में जो है कटिंग देने का, सुन थोड़े से ऊपर से मैसिव टाइप में।
अभी अपना जो है राइट नाउ हेयर कलर तो हो गया, कलर का और एक 20 मिनट्स के बाद अपना हेयर कलर वॉश कर लेना है अपने को, खत्म आता। तो फाइनली ये बाल जो है कटते कटाते सूखते सुखाते और जमते जमाते हुए बहुत देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 8:30 होने आ रहे थे, 8:20 हो चुके थे और मुझे 9 बजे फंक्शन हॉल में रहना था जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल था। यहाँ से घर जाना, फिर वहाँ से रेडी होकर सीधा फंक्शन हॉल पहुँचना, तो मैं इस आगे का ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, लेकिन डेफिनेटली मैं आप लोगों को इसका फाइनल कट शॉट ज़रूर दूंगा कि मेरे बाल इसके बाद कैसे दिखे। उसके लिए मैं आप लोगों को इसके बाद जो है मेरी फंक्शन की क्लिप डालने वाला हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाल किस तरीके से हेयर स्टाइल में आए हैं और उसका कलर जो है एकदम लाइटली शेडली दिख रहा है।